हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो आज है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का पार्ट टू। आज मैं आपके ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक देखना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेवी कट ऑफ का। एक डाउट है नेवी मेडिकल के ऊपर, एक डाउट है एनडीए और टीएस की एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो उन सबको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन से आप पूछ सकते हो। एक डाउट पूछा है ब्लास्टर बॉय ने। इन्होंने पूछा है कि मुझे एक बात बताओ, एनडीए में कितने आर्ट्स के स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और एनडीए क्रैक करने आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ईजी है कि नहीं। तो सबसे बताऊँ, मैं पहले बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। सबके लिए एक ही होता है और क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। ईजी का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। उसमें सिलेबस आपको बता दूँ मैं, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और जीके। तो ये सिलेबस है, अगर आप ये सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ पाते हो तो आपके लिए कोई भी स्ट्रीम, मतलब हर स्ट्रीम से आप दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है अजीत दाहाल कि सर आप लोगों को पागल बना रहे हो कि सेक्शन कट ऑफ 4 होगा। अगर त्रिपुरा का 8 था तो अभी मान लो 16 हो गया, त्रिपुरा का कौन सा कैंडिडेट होगा जो एवरी सब्जेक्ट में 4 ला सके। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप पिछले बार के हिसाब से बोल रहे कि 2 गया था, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पिछली बार 2 गया था और फाइनल कट मतलब 8 गया था जो पीएफटी के लिए। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो उससे भी पिछली बार हुआ था उसमें तो सबका 4-4 गया था ना। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप उनपे उस वक्त फिर कैसे 4-4 गया। और ऐसी बात थोड़ी कि वहाँ पर मतलब पढ़ाई नहीं होती, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बढ़िया है, वहाँ की जो इलिट वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं। जैसे हमेशा थोड़ी, जैसे पिछले बार हो गया तो हमेशा होगा, आप खुद सोचो ना। तो ये मेरा बताने का मतलब था कि 4 मेरे को लग रहा है इस बार, और 4 अगर होगा तभी बहुत सारे बच्चे आउट होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें आपका फ़ायदा ही है, नुकसान किसी का नहीं है। मतलब जो बच्चा हर सब्जेक्ट में 4 मार्क्स ले रहा है उसको आसानी से सिलेक्शन हो सकता है उसका, मतलब कट ऑफ पिछले बार से कम ही रहेगा उसका। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 रहेगा तो उसमें आप ही के लिए मुश्किल पड़ेगा क्योंकि जो टोटल कट ऑफ है वो बढ़ जाएगा फिर 2 के कारण, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। एक डाउट पूछा गया है हर्ष यादव के द्वारा, TS 44 की एज लिमिट बता दो। तो मैं आपको बता दूँ कि NDA और TES दोनों की एज लिमिट सेम होती है। जो NDA का उस बार का फॉलो किया गया वही TS का फॉलो करेंगे, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, तो इसलिए चिंता मत करना। एक क्वेश्चन पूछा गया है सूरज यादव के द्वारा कि SSR में जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेडिकल टेस्ट के ऊपर बनाया हुआ है वीडियो, आपको मैं जो प्लेलिस्ट का है उसका लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें आपके हर एक डाउट को मतलब क्लियर हो जाएगा आपको, प्राइवेट पार्ट से लेकर आई से लेकर, ठीक है, री मेडिकल तक का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उसको जाकर देखना, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है छोटू यादव के द्वारा, इन्होंने पूछा है कि NDA का SSB के बारे में कुछ बताओ, 24 मार्च को इनकी SSB है। तो SSB का भी मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें SSB के मैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। स्क्रीनिंग में कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, स्क्रीन आउट स्क्रीन इन क्या होते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और आपको मैं एक्स्ट्रा टिप्स के लिए आगे चल के वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा बस इंतज़ार करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे से कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि इस स्टेट का कट ऑफ कितना होगा, इस स्टेट का कट ऑफ कितना होगा। तो आप मेरे वीडियोज़ को ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। मैं कट ऑफ बताना ऐसी मतलब बहुत मुश्किल है, जो भी कट ऑफ बता रहे हैं ना वो सब नकली चीज़ बता रहे हैं अपने असली, मतलब मैं भी कुछ भी बता सकता हूँ उल्टा सीधा कट ऑफ। अगर आप उस पर क्यों यकीन कर रहे हो, आपको जब मैंने बता दिया कि अगर आपका 4-4 कट ऑफ गया सेशनल कट ऑफ जो कि इस पर जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो जो कट ऑफ है वो पिछली बार से कम रहेगा, या फिर मतलब जितना नॉर्मल जाता था उतना ही रहेगा। अगर 30 जाता था स्टेट का तो 30 रहेगा, 40 जाता तो 40 रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से मत सोचो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अच्छे लगे तो लाइक करना। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।